subscribe to our channel. Press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात हश्तुम के तीसरे सबक दिल्ली का निहारे वाला इसका मुताला करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आएगा और गुज़िश्ता वीडियो पसंद आए होंगे तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखिए, ये एक मज़ाहिया मज़मून है और इसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही एक इंसानी जो रहने वाली इंसानी ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ़ मनाजिल है उन मनाजिल को उनके तौर तरीक़ों को यहाँ पर बताती है। इसे लिखा है अशरफ सुबोही ने। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात, जब कोई कौम तरक्की करके तरक्की की मंजिलें तय करती है तो आम ज़िंदगी में रहन सहन के अलावा इसे खाने पीने के तौर तरीक़े पर भी बदल जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाक़ों में हर ज़माने में खुर्दनोश की अशिया के इस्तेमाल में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। खुर्दनोश खाने पीने का सामान, खुर्द खुर्दनी अशिया, नोश नोश फरमाना खाना। मौजूदा ज़माने में फ़ास्ट फूड को पसंद किया जाता है, फ़ास्ट फूड यानी तैयार खाना। मुग़लों और नवाबों के ज़माने में तरह तरह के खाने पाए जाते थे, जैसे नहारी जो सुबह के नाश्ते के लिए किस्म का सालन होता है, और पाए भेजे और गोश्त को खूब गला कर बनाया जाता है। ज़ैल के मज़मून में निहारी और इसके सिलसिले में लोगों की पसंद को शगुफ्ता अंदाज में बयान किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा है जान पहचान। अशरफ सुबोही 1905 में दिल्ली में पैदा हुए। इनका असल नाम सैयद वली अशरफ था। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया। अशरफ सुबोही महकमे डार्क व तार में मुलाजिम रहे, बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। वो एक साहिब तर्ज अदीब थे, दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल, वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त रखते थे। इन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें लिखी जो बहुत मकबूल हुई। इनकी किताबों में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गवार कारवां, झरोके, सलमा और वनवासी देवी शामिल है। अशरफ सुबोही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जुमा भी किया है। 22 अप्रैल 1990 ईस्वी को कराची में इनका इंतकाल हो गया। चलिए शुरुआत करते हैं सबक की। निहारी क्या थी? 12 मसाले की चाट होती थी। अब देखिए, यहाँ दिल्ली के निहारी वाले के सबक की शुरुआत में निहारी का तारुफ पेश किया जा रहा है। निहारी कैसी होती है पहले इसे समझ लीजिए। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इसका आशिक होता था, यानी सबकी ग़िज़ा है। निहारी अब भी होती है और आज भी दिल्ली के सिवा ना कहीं इसका रिवाज है ना इसकी तैयारी का किसी को सलीका। दिल्ली का हर भटियारा निहारी पकाने लगा, हर नान भाई निहारी वाला बन बैठा, मगर ना वो तरकीब याद है, ना वो हाथ में लिज्जत, खाने वाले ना रहे तो पकाने वाले कहाँ से आएंगे। अब देखिए, दिल्ली का हर भटियारा, यानी आमतौर पर नान भाई और भटियारा ये बावर्ची के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, निहारी की ये खसूसियत बयान करने की कोशिश की जा रही है। निहारी का नाम सुनकर बाहर वाले लौट हो जाते हैं। मिलने वालों से निहारी की फरमाइश होती है, अब अगर मेज़बान सलीकेमंद है तो खैर वरना खाने वालों को मुंह पीटना पड़ता है। 4 आने की निहारी में 8 आने का घी कौन डाले। फिर आजकल लोग ये भी नहीं जानते कि निहारी के बाद तरह तरह के हलवे या गाजर की तरी से मसालों की गर्मी को मारा जाता है। देखिए, खाने का भी तरीक़ा होता है, यानी कौन सी चीज़ खाएंगे और किस तरीके से खाएंगे। यानी अगर आप निहारी खा रहे हैं, पहले तो बनाना ही बड़ा मुश्किल है कि 4 आने की निहारी में 8 आने का घी, असली घी डालना आसान काम नहीं होता है। अब निहारी की जो तरी होती है तो उसके साथ में तरह तरह के हलवे या गाजर की तरी से मसाले की गर्मी को कम किया जाता है, इसमें गर्म मसाले डाले जाते हैं और उस गर्मी को मारने के लिए गाजर की तरी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए निहारी बदनाम हो गई है। इसके सिवा निहारी बेचने वालों को भी तमीज़ नहीं रही। अरे गैरे नत्थु खैरे, ये देखिए एक मसला है, अरे गैरे नत्थु खैरे, यानी हर कोई यानी कोई खसूसी आदमी नहीं। निहारी की दुकानें खोले बैठे हैं। पहले गिनती के निहारी वाले थे, एक चांदनी चौक में, एक लाल कुएँ पर, एक हबश खां के फाटक में और एक चितली खबर और मटिया महल के दरमियान। अब देखिए, निहारी वाले कहाँ कहाँ थे? चांदनी चौक, लाल कुएँ, हबश खान की फाटक, चितली खबर और मटिया महल, ये दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों के नाम हैं। इनमें से हर एक शहर का एक एक कोना दबाए हुए था। सबसे ज़्यादा मशहूर दिल्ली के निहारी वाले की दुकान थी, जो घंटा घर के पास काबिल अत्तार के कूचे और सैदानियों की गली के बीच में बैठता था।
सबसे मशहूर दिल्ली का नहारी वाला कहाँ बैठता था? घंटा घर के पास, काबिल अत्तार के कूचे और सैयद यानी की गली के बीच में। जब तक ये जिंदा रहा, निहारी अपने असली मानों में निहारी रही। ये क्या मरा कि निहारी का मज़ा ही मर गया। निहारी क्या खाते हैं? कलेजा जलाते हैं। ये दुकान हमने देखी है, बल्कि वहाँ जाकर निहारी भी खाई है। शौकीन दूर दूर से पहुँचते थे, गरम गरम रोटी और तुरंत देख से निकली हुई निहारी। जितनी नलियाँ चाहें झड़वाएं, भेजा डलवाया, प्याज से कड़कड़ाता हुआ घी, बेरेशा बोटियाँ, अदरक का लच्छा, कतरी हुई हरी मिर्चों की हवाई और खट्टे की फटकार, सुभान अल्लाह। अब देखिए, ये जो शौकीन लोग हैं, आपको भी मालूम है कि हमारे पास ज़्यादातर आम तौर पर लोगों का एक चलन है जो ढाबे वगैरह पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के नहारी वाले की खूबियाँ बयान की जा रही है। जितनी नली चाहिए झड़वा ले, भेजा डलवाया, प्याज से कड़कड़ाता हुआ घी डाला, बेरेशा बोटियाँ यानी बोटी खाएंगे तो उसमें रेशे नहीं रहेंगे, अदरक का लच्छा, अदरक के टुकड़े हैं तो उसे बारीक बारीक करके लच्छा बनाया जाता है, कतरी हुई हरी मिर्चों की हवाई यानी हरी मिर्चों का भी एक कतरी हुई रखी जाती है, और खट्टे की फटकार, सुभान अल्लाह। नवाब रामपुर का पूरा दस्तरखान सादखे था, यानी उस वक्त भी नवाब रामपुर का दस्तरखान बहुत मशहूर था, और उसके आवाज़ में यहाँ पर दिल्ली की नहारी अगर आप खाने लगे तो समझ लीजिए आपकी किस्मत चमक उठी। घरों में सामान के लिए पूरे एहतमाम की ज़रूरत है, इसलिए जो असल में नहारी का लुत्फ़ उठाना चाहता थे, उन्होंने दिल्ली ही पर दुकान ही पर जाना पड़ता था। शहर के नहारी बाज़ों की आज भी नहारी वालों के यहाँ भीड़ लगी रहती है। सुबह से 10 बजे तक तातल नहीं टूटता, तो इसी का जिक्र ही किया। खुसूसन दिल्ली वाले की दुकान पर सूरज निकला नहीं कि लोगों की आमद शुरू हो गए। देखिए, इतना मशहूर था कि सुबह से पहले लोग वहाँ पर जाकर पहुँच जाते थे। 10 अंदर बैठे खा रहे हैं तो 20 प्याले, कटोरे, बाजिए, पतीलियाँ लिए खड़े हुए हैं। 1 पैसे से लेकर 2 रुपये तक के ग्राहक होते थे, लेकिन मजाल है कोई नाराज़ हो या किसी को इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना मिले। ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे देख साफ हो जाती थी। ये दुकानदार दिल्ली का निहारी वाला के नाम से मशहूर था। इसके आन क्या कहना सुना है कि दिल्ली के एक रईस इसकी दुकान को ख़रीदना चाहते थे। यानी दिल्ली का नहारी वाला दिल्ली के नहारी वाले के नाम से ही मशहूर था। एक रईस उसकी दुकान ख़रीदना चाहते थे। 1000 कोशिशें की, रुपए का लालच दिया, जायदाद की कीमत दुगनी और चौगुनी लगा दी, यहाँ तक कि दुकान में अशरफिया बिछा देने को कहा। दूसरा होता तो आँखें बंद कर लेता। वहीं कहीं काबिल अत्तार के कूचे में, बल्ली मारों में या रायमान के कूचे में जा बैठता, लेकिन मियाँ दिल्ली वाले मरते दम तक अपनी इसी आन से वहीं बैठे रहे। इसके बाद का हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।